you're given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and choose to be an accountant because it's safe. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट मिस्टर डूलिटल। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे 5 फैक्ट्स बताऊंगा जिनको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ब्लू व्हेल इज लार्जेस्ट एनिमल ऑन द प्लैनेट। इसका वेट 150 टन्स यानी 1,50,000 केजीज हो सकता है और इसकी लेंथ 90 फीट हो सकती है। ब्लू व्हेल का हार्ट भी उसकी बॉडी की तरह बड़ा होता है। उसके हार्ट का वेट 1300 पाउंड होता है। आर्टरीज में ब्लड फ्लो करने के लिए हार्ट को बहुत पावरफुली बीट करना पड़ता है। इस हार्ट बीट की आवाज़ इतनी तेज़ होती है कि आप इसे 3 किलोमीटर दूर से भी सुन सकते हैं। ब्लू व्हेल का हार्ट 1 मिनट में 8 से 10 बार ही धड़कता है। आपने कभी ना कभी रबर डक्स को तो देखा ही होगा। बच्चे उनके साथ बाथटब में खेलते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि रबर डक्स के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा जुड़ा है। लगभग 25 साल पहले एक कार्गो शिप हांगकांग से अमेरिका ट्रैवल कर रहा था, तभी पैसिफिक ओशन में उस शिप से एक क्रेट गिर गया। उस क्रेट में 28,000 रबर डक्स थी जो आज तक पूरी दुनिया में तैर रही हैं। ऑस्ट्रेलिया से लेकर अलास्का के शोर्स पर अक्सर ये रबर डक्स कई बार मिलती हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इनमें से कई रबर डक्स अटलांटिक ओशन में और कुछ आर्टिक में जमी हुई मिली। फ्रेंड्स, हम एक ऐसे समाज की कल्पना करते हैं जहां पर क्राइम ना हो। नीदरलैंड्स एक ऐसा देश है जहां पर क्राइम लगातार कम हो रहा है। कैदियों की कमी के कारण यहां 2004 से 2014 तक 23 जेल बंद करनी पड़ी, जिसकी वजह से कई लोगों की नौकरियां गई जो इन जेलों में काम करते थे। पर इन जेलों को बंद होने और नौकरियां बचाने के लिए गवर्नमेंट ने एक स्ट्रेंज तरीका निकाला। उन्होंने दूसरे देशों से यहाँ प्रिजनर्स इंपोर्ट करना शुरू कर दिया, जिनमें नॉर्वे के 242 प्रिजनर्स को 2015 में यहाँ लाया गया। व्हाट एन आइडिया नीदरलैंड। आपने अक्सर बाजार में मिलने वाले सामान पर एक्सपायरी डेट देखी होगी। ये इंडिकेट करती है कि आप उस पैकिंग में सामान को कब तक कंज्यूम कर सकते हैं। आपने ये एक्सपायरी डेट दवाइयों पर, खाने के सामान पर, जूसेस पर और लगभग हर चीज़ पर देखी होगी। पर क्या आप जानते हैं कि पानी की प्लास्टिक की बॉटल पर दी हुई एक्सपायरी डेट उसके अंदर के पानी की नहीं बल्कि प्लास्टिक बॉटल की होती है। डेमोक्रेसी किसी भी देश और उसके सिटीजन्स को बहुत से राइट्स देती है। डेमोक्रेसी में हर सिटीजन को इक्वल राइट मिलता है और इस बात को इंडिया की इलेक्शन कमीशन बहुत अच्छे से प्रूव करती है। ये गवर्नमेंट बॉडी गिर के फॉरेस्ट में रहने वाले सिर्फ एक सिटीजन के लिए 2004 से एक पोलिंग बूथ बनाती है। उस एक वोटर का नाम महंत भारतदास दर्शनदास है। ये स्पेशल एफर्ट दिखाता है कि भारत दुनिया की सिर्फ सबसे बड़ी डेमोक्रेसी ही नहीं बल्कि सबसे स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी भी है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मैं आपके लिए ऐसी और वीडियोस लाता रहूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए गुड बाय। आपने बाजार में मिलने वाले सामान पर आपने मार्केट में मिलने वाली डक्स रबर डक्स है ना रीडेक। आपने डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसी था डेमोक्रेटिक गलत हो गया। हेलो फ्रेंड्स, गिर गया।